तभी एक नौजवान कैदी एक आइडिया लेकर आता है। उसने अपने कंधे से दो थैले लटका रखे हैं। वो उनपे बंधी हुए रिबन को ढीला करता है और सारी मिट्टी निकलकर नीचे गिर जाती है। इस तरीके से ये पैंट के अंदर ये इन बोरियों को रख सकते हैं और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगले दिन से ही ये इस तरीके को ट्राई करते हैं। ट्रेनिंग सेशन में भी ये खूब मिट्टी उड़ाते हैं, लेकिन अब एक और समस्या सामने आ खड़ी हुई है। जैसे जैसे सुरंग की गहराई बढ़ रही है, असमान दबाव के कारण सुरंग के धंसने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। अब इसके लिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा प्लैंक्स की जरूरत पड़ेगी। अब इन्हें अपने सेल्स से प्लैंक्स को निकालकर यहां लगाना पड़ता है। इस काम में सेल्स के सारे प्लैंक्स लग चुके हैं। बहुत सारे कठिन प्रयास के बाद फाइनली पूरी सुरंग खोद ली गई है। अब ये गणनाओं से पता लगाते हैं कि सुरंग का दूसरा छोर जेल के बाहर जंगल में खुलेगा। अब इस काम के पूरा होने और जल्दी ही जेल से मुक्त होने की खुशी में ये आलू और मूंगफली का एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और एक राष्ट्रीय दिवस की आड़ में ढोल नगाड़े बजाते हैं। लेकिन इनकी अपेक्षाओं के विरुद्ध दुर्भाग्यवश पुलिसकर्मियों को इनकी सुरंग का पता चल गया है।